नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम समाचार के इस बुलेटिन में। दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है मौसम विज्ञान विभाग की ओर से। दिल्ली एनसीआर में जल्द मौसम बदलने वाला है। इसके अलावा भारी बारिश के चलते अगले 24 घंटों में कई राज्य पर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। जी हां दोस्तों, जनवरी महीने के खत्म होने के साथ ही अप्रत्याशित मौसमी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर, पश्चिम यूपी, हरियाणा और पंजाब के कई इलाके जहां शीतलहर के साथ भारी ठंड झेल रहे हैं, वहीं कुछ राज्यों में बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में आने वाले मौसम पूर्वानुमान पर सबकी नगाहें हैं। ऐसे में दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले दो दिनों के दौरान उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर से गंभीर शीत दिन रहने की चेतावनी जारी की है। तो गंगीय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जाहिर की है। दोस्तों वेदर अपडेट को लेकर मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि 4 और 5 फरवरी को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज एवं बिजली के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में गरज के साथ हल्की व मध्यम वर्षा हो सकती है। हालांकि इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण कमी आएगी। विभाग ने खास तौर पर कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों अगले दो दिनों के दौरान उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीत से गंभीर शीत दिन की स्थिति रहने की संभावना है। तो अगले 3 दिनों के दौरान यहां रात और सुबह में घने से बहुत घने कोहरे की भी संभावनाएं हैं। वहीं दोस्तों निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट ने मौसम की पूर्वानुमान संभावनाओं में कहा कि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र पूर्व में हस्तांतरित हो गया है और जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव साफ कर रहा है। धूप के लिए रास्ता बनाने के लिए बादलों की परत पतली हो जाएगी, हालांकि शुरुआत में यह प्रक्रिया हल्की रहेगी। एजेंसी ने कहा कि अधिकांश बादल आज रात या तड़के तक छट जाएंगे। अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट और 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावनाएं हैं। 9 फरवरी तक फिर से 20 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करते हुए दिन सुखद गर्म होने की संभावना है। तो दोस्तों यह थे आज के मौसम समाचार। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में निवास करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि आने वाले वीडियोस में हम आपके राज्य की खबरें और मौसम समाचार प्रमुखता से दिखा सकें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।